आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम टेस्टी और एकदम यूनिक क्रिस्पी समोसा की रेसिपी। और हम इसे बिल्कुल समोसा स्टाइल में और बिल्कुल क्रिस्पी देख सकते हैं घर पर बनाकर तैयार करेंगे। और हम इसकी जो स्टफिंग है वो भी बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करें। इस स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ कुछ उबले हुए आलू लिए हैं, उसी के साथ कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, मैगी मसाला, गरम मसाला, कुछ सूखी मेथी, ओरिगैनो और चिली फ्लिक्स ली है। इन्हें हाथ के साथ अच्छी तरह मिला दें। मिलाने के बाद इन्हें एक तरफ रख दें। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कटोरी मैदा लिया है, उसी के साथ आधी छोटी चम्मच अजवाइन और आधी छोटी चम्मच नमक ली है, उसी के साथ एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया है। अब इन्हें हाथ के साथ अच्छी तरह मिला दें और मोइन लगाकर तैयार कर लें। मोइन लगाने के बाद अब इसके अंदर पानी डालें और इसका एक सख्त सा डो गूंथकर तैयार कर लें। मैंने यहाँ सख्त सा डो गूंथ कर तैयार कर लिया है। इसके ऊपर बाउल रखकर इसे 5 मिनट तक एक तरफ रख दें। 5 मिनट के बाद हमारा डो अच्छी तरह रेस्ट कर लिया है। अब इसे अच्छी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक टुकड़े को ले उसे अच्छी तरह उसके ऊपर मैदा डालकर इसे अच्छी तरह पतला पतला बेल कर तैयार कर लें। हमें मैदे की एक पतली सी सीट चाहिए है। मैंने इसे अच्छी तरह पतला बिलकर तैयार कर लिया है। मैं यहाँ स्क्वेयर समोसे बनाने के लिए ट्रे का प्रयोग कर रहा हूँ। ट्रे में समोसे बनाने से पहले इसकी जो एक्स्ट्रा किनारी है उन्हें चाकू के साथ काट कर अलग कर दें। किनारी काटने के बाद अब ट्रे को उठा लें और जो ये शीट है इसको 9 भाग में अच्छी तरह डिवाइड कर लें, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं मैंने जो शीट है वो कितनी पतली बेलकर तैयार कर ली है। अब हमें इन्हें ट्रे के अंदर डालकर इसके अंदर स्टफिंग डालनी है। तो चलिए समोसे बनाना शुरू करें। ट्रे के अंदर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके इसके अंदर जो हमने शीट काट कर रखी थी अब वो शीट डाल दें। अब जो ये किनारे हैं उन्हें चाकू के साथ फोल्ड कर दें, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं आपको भी इसी प्रकार करना है। कुछ देर के बाद मैंने किनारियों को फोल्ड कर दिया है। अब इसके अंदर हमने जो स्टफिंग बनाकर तैयार की थी अब वो स्टफिंग डाल दें। कुछ देर के बाद मैंने स्टफिंग डाल दी है। अब जो इसकी बाहर वाली किनारी है उनके ऊपर पानी अप्लाई कर दें। पानी को अप्लाई करने के बाद अब जो हमने और शीट काट कर रखी थी अब वो शीट लें, उसे इनके ऊपर रख कर इसे अच्छी तरह प्रेस कर दें। दबाने के बाद अब जो एक्स्ट्रा किनारी है उन्हें चाकू के साथ काट कर अलग कर दें। किनारियों को अलग करने के बाद अब हमने जो ये शेप बनाई है इसे ट्रे से बाहर निकाल लें और आप देख सकते हैं हमारी जो स्क्वेयर शेप है वो कितनी अच्छी तरह आई है। इसी प्रोसेस के साथ हमें और मिनी स्क्वेयर समोसे बनाकर तैयार कर लेने हैं। जब तक मैं और समोसे बना रहा था तो मैंने साइड पर तेल को अच्छी तरह गर्म होने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं टुकड़ा डालते ही हमारा टुकड़ा सीधा ऊपर आ रहा है, तो हमारा जो तेल है वो अच्छी तरह गर्म है। अब इसके अंदर हमने जो समोसे बनाकर तैयार किए थे अब 1 बाय 1 वो समोसे सारे डाल दें। और आप देख सकते हैं मैंने एक बार में ही जो सारे समोसे हैं वो डाल दिए हैं। जब तक इनका जो कलर है वो हल्का सुनहरा नहीं हो जाता हमें इन्हें तब तक चलाते हुए पकाना है। मुझे बस पकाते पकाते कम से कम 5 से 7 मिनट ही हुए थे और आप देख सकते हैं हमारे जो समोसे हैं उनका जो कलर है वो हल्का सुनहरा कितनी अच्छी तरह आ चुका है। इन्हें बीच बीच में चलाते रहना है वरना हमारे जो समोसे हैं वो एक साइड से तो पक जाएंगे लेकिन दूसरी साइड से कच्चे रह जाएंगे। 7 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं इनका कलर कितनी अच्छी तरह हल्का सुनहरा आ चुका है। अब इन्हें तेल से बाहर निकाल लें और आप देख सकते हैं दिखने में कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं वो खाने में कितने टेस्टी होंगे। जब आप इन्हें तेल से बाहर निकालें तो इन्हें अच्छी तरह हिला लें जिनसे इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने इन्हें अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब इसके साथ जो टोमेटो केचप है वो रख लें। मैं आपको एक काट कर दिखाता हूँ और आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं जो आलू की स्टफिंग है वो भी मैंने कितनी भर रखी है। हमारे जो क्रिस्पी स्क्वेयर समोसा है वो घर पर कितनी जल्द और आसानी से बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपको इस तरह की क्रंची और क्रिस्पी रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसके साथ मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं वो रेसिपी आपके साथ जल्द शेयर करूंगा। देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली आसान और झटपट रेसिपी के साथ। तब तक खाओ पियो मजे करो।